अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आवाया ऐसन खुड़ो नज़र विंदासीन वक्ताई जी हेडलाइंस ते। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में किथे तेज़ तो किथे हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी। कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़न मलीर, गुलशन हदीद, कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, सदर गार्डन टावर, आया चंडीगढ़ रोड, भिटाई आबाद, सफूरा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, नाज नाजमाबाद में बरसात, हैदराबाद, ठट्टो, सिजावल, बदीन, मीरपुरखास, टंडोजाम, मटियारी, सकरण, नवाबशाह, शहदादपुर, तलहार, थाणो बुलाखान ए मनाड़ो समेत थरपारकर में वसकारो। मुल्क में कोरोना वायरस विघे 3 मरीज फोती वया। गुजरियल 24 कलाक दौरान 179 मरीजों की हालत गणती जोगी बुधाई पई। सदर आरिफ अलवी मुल्क में नई हुकूमत कायम करने जो मुतालबो कर छो। ट्विटर से जारी कल बयान में सदर आरिफ अलवी चो तो असा एक इम्तिहान में गुजरी रहा हूँ। जमहूरियत मीडिया एस्टेब्लिशमेंट सभी के पाकिस्तान में अड़ी हुकूमत जोड़ने लाय कम करो पवो जवाम की उम्मीद मूजिब होन घुर्जे। जमहूरियत के मफाद परस्तन हथा हाईजेक थियण नदनो वो। मौजूदा सूरत हाल में हमदा शहबाज के चूंडल वडो वजीर तस्लीम नथो कर सके। हमदा शहबाज की वही वजारत जो स्टेटस खतरे में है। खातरी कराई वही है तो हमदा शहबाज संदस काबीना 25 जुलाई तीन अमानती तौर कम कंदा रहंदा। सुप्रीम कोर्ट डेप्टी स्पीकर रूलिंग केस की बुधनी जो 6 सफन से हुक्मनामो जारी कर छो। अदालत पारा डेप्टी स्पीकर के लिखल काफ लीग सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जो खत भी पेश करने जो हुक्म। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिना तो पंजाब असेंबली के डेप्टी स्पीकर अदालती फैसले के ओट में 10 वोट रद्द कया। जाहिरी तौर डेप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हमजा शहबाज की वही वजारत घनी खतरे में नजर अची रही है। डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी सुमर से रिकॉर्ड सूदो अदालत में पेश थिए। एक तरफे फैसलन आडो कंध झुकाने जो वक्त वयो। मौजूदा सियासी दफेड़ अदम इस्तेकाम जो सिलसिलो इन अदालती फैसले से ही शुरू थो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो ट्वीट संद चवण है तो जैसे इंसाफ जहा अहवान भी धमकिन गारन के दबाव में अची बार बार एक ही बेन जरिए खास फैसला कन त एक तरफे फैसल न क्या सिर झुकाने की उम्मीद असावा न रखी वे हाँ घणो थी वो है। आइन के मनपसंद तशरी कदे पैंकी मर्जी से वोट ईंदड़ जहाँ वोट नगण जो हुक्म जारी थो तो जी दादले के फायद पोचे वो मंजूर ना है। पंजाब के वे वजीर की इलेक्शन केस की बुधनी फुल कोर्ट करे हुकूमत जो मुतालबो। हुक्मरान इताद पैंकी पधराई में चो है तो आला अदालत के समूरन जजन से बदल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त बेन लागापियल दरख्वास्तन के गड़ाए बुधनी लाय मुकरर करे उन फैसलो भी करे छो तो ही तमाम अहम कौमी सियासी आइनी मामला उन नतीजे में पैदा थन्द सियासी अदम इस्तेकाम की गरी कीमत कौमी मैशत के देवारपणे के खतर नई आवाम महंगाई बेरोजगारी गुर्बत की सूरत में अदा कर रो है। इमरान खान बार बार सियासत में दफेड़ पैदा कर रो है जिनों मकसद एतसाब का बचने चोर दरवाजे का इकतदार हासिल करना है। आइन जमहूरियत अवाम के हकन से का भी सौदेबाजी न कई वी। सिंध हाउस और आसिफ अली जरदारी से इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन इमरान खान के उम्मीदवार के वोट न देने जो फैसलो किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मूजिब पार्टी हेड जो फैसलो करे उन ते अमल थींदो। सिंध हुकूमत हर सूरत में मकानी चूंडू कराने चाहे पई पर ओचितो सिंध हुकूमत के मर्जी के उबतड़ फैसलो थो। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़न के दौरे करण बाद मीडिया से गाल
अगूणे नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल से जिनसी हिरासा वन इल्ज़ाम की जांच ला इंक्वायरी कमीशन कायम। वफाकी हुकूमत इंसानी हकन बाबत कौमी कमीशन के चेयरपर्सन राबिया जी इंक्वायरी कमीशन जो सरबराह मुकरर कर छो। कमीशन वफाकी तौरे सूबाई हुकूमतों का हर किस्म जो सहकार हासिल कर सकती। नारी एवा कुल अगूणे नैब चेयरमैन से जिनसी हिरासा जहाँ इल्ज़ाम आया हुआ। वफाकी काबीना मामले की जांच ला इंक्वायरी कमीशन जोड़ने की मंजूरी पिण दई छी। गोसपुर में बिन धुरन में जेड़े दौरान लठियों कुआड़ियों लगने सबब एक ही धुर जहाँ टिन औरतों समेत छह जणा जख्मी थी पाया अस्पताल मुंतकिल।